हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर्षवर्धन स्टड फार्म ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी दोस्तों की कमेंट आ रही थी, तो आज एक ज़रूरी चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं, राइडिंग की सारी समस्याओं का हल। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते थे हमारा घोड़ा लगाम नहीं लेता तो क्या करे, या फिर घोड़ा एक साइड मुड़ता है दूसरी साइड मुड़ता नहीं है। जब भी राइडिंग करने के लिए जाते तो मान लो कि एक साइड मुड़ता है और दूसरी साइड मुड़े तो गर्दन टेढ़ी करता है, लेकिन जाता तो क्रॉस से ही है। उस विषय पर चर्चा करेंगे। या फिर काफ़ी लोग कहते हैं घोड़ा ऊपर बैठने नहीं देता, या फिर कूद जाता है, खड़ा हो जाता है दो पैरों पर, और जब भी उसको घुमाने के लिए ले जाए सवारी करके तो जैसे ही फार्म से बाहर निकाले तो कुछ देर तक जाता है और फिर मुड़ के वापस फार्म में ही चला आता है। तो उस चीज़ों के लिए क्या करें, उस बात पर आज हम वीडियो बना रहे। तो पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले हम लगाम देने की बात से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप लगाम दो घोड़े को तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहले तो उसको मोहरी घुमाइए। जब भी छोटा बच्चा उसको लगाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मोहरी से भी कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि बड़े घोड़े भी मोहरी से भी कंट्रोल हो जाते हैं, तो बच्चा तो हो ही जाता है। तो मोहरी डालिएगा, करीब हम 2 साल का होने वाला हो या फिर 18 मंथ के बाद ही उसको लगाम दे, वो भी ऐसी प्लेन लगाम होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी प्लेन। और पहली बार जब भी आप उसको लगाम दे रहे हो तो एक काम कीजिएगा, हो सके तो ये थोड़ी गुड़ वाली कीजिए, या फिर गुड़ वाली ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जब भी लगाम दे तो आप उसको लगाम चढ़ाइए, 5-10 मिनट रखने दो, उसके बाद निकाल दो, उसके बाद उसको गुड़ खिला दो, शाबाशी दो, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ऐसा करने से मुझे गुड़ मिल रहा है, तो वो अच्छी तरीके से लगाम को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर शाम को वही करो, वैसे ही आप 10-15 दिन तक करते रहो। उसके बाद उसको लगाम दो और हल्के से गांव में कहीं पर भी घुमाने ले जाओ, अच्छी जगह पर। उसको वर्क नहीं देना है पहले तो। अगर आप ऐसा करोगे कि उसको काटे वाली या लगाम दे दोगे, उसके बाद नाच गाना शुरू कराओगे या फिर राइडिंग कराने ले जाओगे, उसको वर्क करोगे, तो उसको दिमाग में एक बात घुस जाएगी कि ये लेता हूँ तो ये मुझे वर्क करा रहे हैं। काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता, हमको नहीं होता तो वैसे घोड़ों को भी कैसे होगा। तो आप अगर कांटे वाली लगाम डाल दोगे उसके मुंह में और तुरंत वर्क स्टार्ट कर दोगे उसको, तो उस पर लोड पड़ेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे दिन जब भी आप लगाम देने जाओगे तो वो लगाम नहीं लेगा, वो भाग जाएगा। इसलिए बताता हूँ कि उसको प्लेन लगाम दो और धीरे धीरे पहले सेट करो, 5 मिनट रखो निकाल दो, 5 मिनट रखो निकाल दो, उसके बाद लगाम डाल के हल्के से घुमाने ले जाओ, तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो लगाम एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दोगे ना तो वो घोड़ा टूटेगा नहीं, वो आपकी लगाम जल्दी तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी बातें हम बताते हैं, पहले ये देख लीजिए हमारी बच्ची दुर्गा, इसको हमने कवरिंग कराया, उसके बाद कभी भी राइडिंग में हमने नहीं लिया। पहले छोटी दीवाल का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन उसको जैसे ही घोड़ा दिखाया उसके बाद वीडियो सवारी बंद कर दी थी। अभी 3 मंथ होने वाले हैं उसको, तो फिर से स्टार्ट करने की इच्छा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई कंटिन्यू करें, तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज राइडिंग समस्याओं का जो है वो हल हम बताते हैं। तो देखिएगा दुर्गा, तो देखा हमने बुलाया तो वो आ गई। तो आप देख रहे हो वहाँ वो खा रही थी, अक्सर घोड़े खाते टाइम किसी के पास नहीं आते, फिर भी ये खाना छोड़कर मेरे एक ही आवाज़ पर अपने पास चली आई, बिल्कुल आसानी से लगाम ले ली। चल बेटा आजा मेरे पास। तो अब एक और चीज़ का बस बेटे तो एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ बस। तो जैसे प्लेन बीट लगाइए, जैसे ये दो दो रिंग वाली बीट हो तो उसमें मैंने पहले ही कहा था, ध्यान रखिएगा ये रस्सी लेके यहाँ पर बांध देनी है। ये इसलिए बांधनी है ताकि अगर आप घोड़े को मोड़ने के लिए एक साइड से खींचे तो दूसरी लगाम पूरी की पूरी बाहर ना निकल जाए। रुक बेटा बस धीरे से बेटा। तो ये लगाम ठीक है, तो अब यहाँ से खींचेगे ना तो ये लगाम बाहर मुड़ के निकल नहीं जाएगी। तो एक एक और चीज़ का ध्यान, और मैं ठीक है। तो ये थी लगाम की बात, अब दूसरी चीज़ पर हम ध्यान देते हैं लगाम के बाद। तो
काफ़ी लोग बोलते हैं कि घोड़ा एक साइड पर मुड़ता है और दूसरी साइड पर मुड़ता नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो अब हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि घोड़ा एक साइड पर मुड़ता है दूसरी तरफ मुड़ता नहीं, तो क्या करें। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि घोड़ा लेफ्ट साइड मुड़ता होगा, राइट साइड नहीं मुड़ता होगा, वो क्यों, वो मैं आपको दिखा था। हम आपको बोलते हैं भाई जब भी बंडल खिलाओ, मतलब कि घोड़े को राउंड में घुमाओ, तो 10 बंडल इस साइड से लगाओ, तो 10 बंडल उस साइड से भी लगाना ज़रूरी इसलिए ताकि घोड़ा लगाम को समझे। चल बेटा मान लो कि 10 बंडल यहाँ से लगाए, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 10 या 20 बार जो भी चक्कर काटो यहाँ से काटने हैं, ताकि वो लगाम को समझ पाए कि भाई यहाँ से खींचेंगे तो मुझे इस साइड पर मुड़ना है। अब ज़्यादातर लोग क्या है कि उसको लंजिंग नहीं कराते और पहले घुमाने के लेके निकलते हैं, तो फिर हम लेफ्ट साइड पर रहते हैं, तो हम यहाँ से उसको कंट्रोल करते हैं कि चल भाई इधर चल, इधर चल, इधर चल। तो घोड़ा इस साइड की लगाम को समझता है, उस साइड की लगाम को नहीं समझता, और कई बार घोड़ों पे ऐसा होता है कि यहाँ का जबड़ा है ना, वो लगाम हम उस साइड से समझाते नहीं है ना, वो नरम होता है, तो उस साइड पर जैसे ही आप लगाम खींचोगे तो हो सकता है घोड़ा खड़ा हो जाएगा या फिर उसको दर्द करेगा तो पीछे दब जाएगा, ऐसी संभावनाएँ रहती है। तो दोनों साइड से घुमाइएगा, और अगर कांटे वाली लगाम है और घोड़ा लगाम से डरता है तो प्लेन लगाम लगा दो, या फिर उस पर कोई टेप या कपड़ा लगा दो जिससे कि उसको मुंह छीले नहीं, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो लगाम ना माने उसके लिए आपको दोनों साइड से घुमाना है, अगर इस साइड की लगाम को मानती है और दूसरी साइड की नहीं मानती है तो 10 दिन या एक सप्ताह के लिए यहाँ से पकड़ के घुमा लो भाई, यहाँ से शुरू करो, जैसे ही आप उस साइड से घुमाते हो ना वैसे यहाँ से घुमाना शुरू करो, तो धीरे धीरे लगाम को वो समझने लग जाएगी। दूसरी चीज़ कि जैसे हम डांस में नागिन डांस कराते हैं ना, जैसे पीछे दो रस्सियाँ लेके, तो आप भी उसको वैसे ही इधर पट्टा बांध के दो रिंग लगा के रिंग में से रस्सी निकाल कर उसको घुमाने ले जाओ ना, तो पीछे दो रस्सी रखो और उस रस्सी से उसको घुमाओ कि राइट साइड मोड़ो तो लेफ्ट साइड मोड़ो तो वो लेफ्ट साइड मुड़ेगी, राइट साइड मुड़ो तो राइट साइड मुड़ेगी, हो सके तो बड़ा सा 8 नंबर बना लो इंग्लिश में और उस पर उसको घुमाना शुरू कर दो, ताकि वो दोनों साइड की लगाम को समझने लग जाए। और एक ख़ास बात कि लोग बोलते हैं कि भाई घोड़े को बाहर लेके जाते हैं तो वो वापस चला आता है, तो अक्सर घोड़े ऐसा ही करते हैं कि जो किले से हम बांधते हैं ना उधर वापस चले आए, जैसे कि आप बाहर लेके जाओगे ना तो वापस भागेगा, तो उसको पहले हो सके तो उसको चला कर ले जाओ फार्म से कहीं दूर ले जाओ, उसके बाद सवारी स्टार्ट करो, या फिर किसी को बिठा दो आप उसको चला के लेके जाओ, लेकिन वो वापस मुड़े तो उसको डराना धमकाना जो करना ही करो, लेकिन उसको वापस मत आने दो। अगर आप 2-4 बार उसको वापस आने दिए ना तो उसकी ख़राब आदत हो सकती है, वो हर बार ऐसा करेगा, आप बाहर ले जाओगे वो वापस भाग कर चलाएगा, और आप बांध दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझे छोड़ देंगे, तो छोड़ना नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, उसको मारो पीटो धमकाओ ऐसा नहीं, लेकिन उसको ज़रूर बाहर ले जाओ, उसको आदत में तो डालना ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ काफ़ी लोग बोलते हैं घोड़ा बैठने नहीं देता या कूद जाता है, तो भाई मैंने पहले ही बताया था कि उसको धीरे धीरे हाथ फिरो, उसको सेट करो, या फिर उस पर टुवाल रख दो, उसके बाद कंबल रखो, उसके बाद गादी रखो, छोटे बच्चे को बिठाओ, हम आप बैठो, तो अगर फर्स्ट बार भी सवारी करोगे ना तो फिर भी घोड़ा कुछ नहीं करेगा। जैसे इसको मैंने 3 मंथ से सवारी नहीं की है, लेकिन आप आज मैं इस पर बैठ के आपको दिखाऊंगा ये दोनों साइड कैसे घूमती है, आपको अगर आदत में डालना है तो सब कुछ करना तो पड़ेगा। बस बैठे रुको, तो आप देख रहे हो कि हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब लगाम को बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, अगर आप नए हो तो ऐसे नहीं पकड़ना है, वरना खींचोगे कैसे, हाथ इधर तक ही आएगा, ठीक है। तो हो सके तो इससे यहाँ से पकड़िएगा, क्योंकि आपको खींचना है तो तुरंत घोड़ा ऐसे खड़ा रह जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपका घोड़ा लगाम नहीं मानता है इस साइड की और आपको घुमाना है, तो यहाँ से नहीं, पहले हो सके ना माने तो उसको यहाँ से नीचे से घुमाओ, यहाँ से तो खड़ा नहीं होगा, नीचे रख के और ऐसे घूम जाएगा, देखिएगा बेटा घूम जा, बहुत अच्छे चल, घूम जा घूम जा घूम जा, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इस साइड वाले पे करेंगे, तो भाई चलो बेटा घूम जा घूम जा घूम जा, चलो सीधा चलो, बहुत अच्छे, बस उस तरफ नहीं जाना है बेटा, चलो। तो इस तरीके से आपको इसको सेट करोगे तो फिर तो एक ही हाथ पे ये काम करने लग जाएगी, देखिएगा, ठीक है। अब उस साइड पर घुमाना है, चलो बेटा देखिएगा, चलो बेटा
तो आप जैसा बोलोगे वैसा करेगी, ठीक है। इसको 3 महीने के बाद में बैठाओ, लेकिन आपको लगेगा नहीं ऐसा है, क्योंकि उसकी परवरिश ही हमने ऐसी की है। तो आप जैसे चाहो वैसे घोड़े को अगर आप जैसे ट्रेनिंग दोगे ना, तो वो आपके साथ बिल्कुल ही वैसा व्यवहार करेगी। करी रे बेटा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले तो कि अगर बच्चे को लगाम देनी है तो प्लेन लगाम दो। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि कब सवारी करें, तो 2 दांत के बाद यानी कि 2 टीथ कैटेगरी में आ जाए उसके बाद ही सवारी कीजिए, यानी कि 30 मंथ के बाद ही सवारी कीजिएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा 5 मंथ का है, 10 मंथ का है, तो उसको डांस सिखा दे। भाई क्या करोगे यार डांस सिखाने की, ये उसके खेलने कूदने की उम्र है, तो उसको खेलने दो। अगर आप 5 मंथ का डांस सिखा दोगे तो क्या करोगे यार सिखा के, 2 टीथ तक तो आप उस पर सवारी नहीं करोगे, तो हो सकता है उस्ताद सिखा के चला जाए और आप उसको कंटिन्यू वैसा नहीं रख पाओगे, तो वो भूल जाएगा, आपको फिर से खर्चा करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि 2 साल के बाद उसको सिखाओ, उसको पहले मत सिखाओ, उसको 2 साल के बाद डांस सिखा दो, तो आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी और वो राइडिंग के काबिल भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, छोटे बच्चे को उतना सा काम मत दो कि वो लगाम देख कर भाग जाए। आपने देखा अभी ये बच्ची खुली फील्ड में थी, मैंने बुलाया, वो तुरंत भाग के मेरे पास चली आई और उसने लगाम ले ली। तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है, ठीक है, महत्व रखती है कि आप उसको कैसे परवरिश करते हैं, उसको कैसे संभालते हैं, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि घोड़े पे बैठते ही घोड़े को भगाने लग जाते हैं, तो जैसे ही सवारी की तो घोड़ा भाग जाएगा। ऐसा नहीं करना है, उस पर बैठो, उसको खड़ा रखो, उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब तक ये मुझे काउंट नहीं देता तब तक मेरे को चलना नहीं है, वो उसको पता होना चाहिए। वरना फिर आप गलत आदतें आप डालते हो, उसमें गलत कुछ नहीं होता है, जो भी चीज़ डालते हैं ना वो हम ही डालते हैं। अगर उसके ऊपर बैठा और मार के भगाना शुरू कर दिया तो उसको समझ आ जाएगा भाई बैठते ही भागना है, वरना मुझे तो ये मारेगा ही मारेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल देखते रहेगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कॉमेंट करके बता सकते हो आप, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी दोस्तों के कॉमेंट आए हैं, तो एक बारी बारी करके अब वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। खोल दो, बहुत अच्छी बेटा। चलो तो इस तरीके से आप उसको केयर कर सकते हो, ये तो बिल्कुल हमें फॉलो ही फॉलो करेगी। तो आप वैसे धीरे धीरे उसको आदत में डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आदत लगाना, ठीक है। लेकिन घोड़े को सुधारने में काफ़ी साल लग जाते हैं और बिगाड़ने में एक लम्हा ही काफ़ी होता है दोस्तों, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई जल्दबाजी ना करेगा इसको सिखाने में, धीरे धीरे सिखाइए, लेकिन अच्छा सिखाएगा, ठीक है, समझते।